मैं तो फकीर हूँ, बाज लोग मुझे मलंग कहते हैं। भले कहीं सियाचिन से लेकर नगर पार तलक सारे पाकिस्तान में सेंटर है होम फॉर होमलेस। मुझे मरीजों से बहुत शौक और एम्बुलेंस चलाने का, तो मैं एम्बुलेंस सर्विस भी सीखी, एक एम्बुलेंस ली। मैंने ज़िंदगी में एम्बुलेंस के सिवा कोई गाड़ी नहीं चलाई। मैं सबसे किसी के पास जाके मांगूं, यह भी मेरी कोई नीयत नहीं थी। मैं ये चाहता था कि कौम को देने वाली बनाऊं, तो उसका तरीका मैंने फुटपाथ पर खड़ा रहकर भीख मांगी। थोड़ी मिली लेकिन ठीक मिली। दूसरा ये मैंने उसूल बनाया कि ज़िंदगी पर सादगी रखूँगा, कपड़े एक ही किस्म के पहनूँगा और इंसानी नाते काम करूँगा। 375 सेंटर है, सेंटरों में चूल्हे रखें, चूल्हे में डाल दो, जिस हालत में हो तुम्हें कोई सवाल नहीं करेगा। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, कहीं से भी इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से जो भी काम करते करें, पाकिस्तानी जैसी कौम दुनिया में कोई नहीं। थोड़ा सा हमारा सियासी मजहबी कबीला निज़ाम उसको छोड़ देना चाहिए, इंसान बन जाना चाहिए, इंसानी नाते काम करना चाहिए। बहुत ही नेकी का काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको इसका अजर दे। I prefer to come to Edhi House as compared with other relatives or friends. दीदी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें इतनी काबिशों से, अपनी मेहनत से उन्होंने हमें सर छुपाने की जगह दी है। अगर दीदी साहब नहीं होते तो फिर ये लोग रोडों पर होते आज। मम्मी अबू जहाँ भी रहे वहाँ खुश रहे। थैंक यू अबू। This painting is my attempt on doing something that I feel like I'm good at, to help others. And I think it's not important to be extremely wealthy, extremely gifted, or extremely good at something to learn how to give back. And Pakistan is a country where even though there are people like Edhi Saab, हम भूल जाते हैं कभी कभार कि हमें लोगों को मदद करने की ज़रूरत है जिनको ज़रूरत है। This painting is up for an online silent auction. The money generated from it will go entirely into charity. And if you know anyone who would be interested, or you yourself are interested, you can inbox me on my Facebook page. There's also a link in the description of this video that will link you to the Edhi Foundation website, where you can donate online. So I would encourage you, if you can donate anything via the website. And other than that, if you are someone who feels like they need to donate something but they aren't capable of, donations just don't come in the form of money. They can be simply by helping someone out physically, and that's it. And I hope what Edhi Saab did, we all continue to work towards a better nation.